ये मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार है, ये मौजूदा हुकूमत की नहली है। इस हुकूमत का तो शेवा बन गए है कि हर चीज़ पिछली हुकूमत बनते हैं। नहीं, पिछली हुकूमत का की कसूर है? वो तो अपने अच्छे नबाग ने अच्छा काम उन्होंने किया, साध रफीक ने बहुत अच्छी रेलवे चलाई। ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदार है। इमरान खान साहब तब कहते थे जब कोड़िया के अंदर कश्ती वो डूबी थी तो कोड़िया का वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा इन्होंने फाइल लाना चाहिए, दसा गल च पा के घसीटना चाहिए इन्होंने। दुख तो उन्होंने जिन्होंने मर गए प्यारे बेचारे, जिन्होंने बच्चे मर गए। हूँ फिरदौस शिकवान आँदी है कि अलहमदुल्ला ये इस साल का पहला हादसा है। की मतलब है बीबी के तू रोज हादसा हो फिर ही खुश है? वो तो घर के बच्चे मरते ना ट्रेन के बच्चे, फिर वो आँदी ना अलहमदुल्ला तो मैं भी इतो पैदल जाता कोई रहा लियो उन हार पाने वास्ते। तो वो जी मेकअप करती है सियालकोट की डैन, वो कहती है जी अल्लाह शुक्र अलहमदुल्ला थोड़े बंदे मरे, वो खाना खराब दी है पुत्र तू तेनू हया ही नहीं। तो अल्लाह करे कि स्वाति साहब खुद ही मर जाए, इनका खाना खराब हो, जो इतनी जाने जाए हुए ये कह रहे हैं कि जाने वापस। ये फवाद चौधरी से बड़ा बड़ा बगारत इंसान है, उन्होंने तो पता ही नहीं, और नहीं था डांसर का बड़ा भरा जी हो रहे। नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है। वजीर इस्तीफा मैं तो ना वजीर आजम देना चाहिए, बेशरम हो के उन्होंने बगैरत हो गए तो मेरा मतलब अपनी कई एक तो पूरी कर ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भट्ट साहब, घोटकी ट्रेन हादसे से की कहना चाहोगे तुसी? जिस तरह के हुकूमत और फौज चौरी साहब कहने पिछली हुकूमत इदी जिम्मेदार है, तुसी की समझते हो मौजूदा हुकूमत इदी जिम्मेदार है या पिछली हुकूमत? अल्लाह पाक मगफरत फरमाए हादसे च फौत होने वाले दी और उन्होंने दिल वाहकीन नूं सबरे जमील अता करे। इस हुकूमत का तो शेवा बन गए है कि हर चीज़ पिछली हुकूमत पाते हैं, इन्हों की अपनी कारकरदगी नाअहली बिल्कुल जीरो है, और वो उपर जेड़ा फिर मसाला लाते हैं अपनी जबाना खोल के, ये कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते, अपना मुँह तो बंद रख सकते हैं। हूँ फिरदौस शिकवान आँदी है कि अलहमदुल्ला ये इस साल का पहला हादसा है। की मतलब है बीबी के तू रोज़ हादसा हो फिर ही खुश है? आजम स्वाति साहब आते हैं कि मेरा इस्तीफा देने से बंदे जिंदा हो जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन आजम स्वाति साहब पिछली हुकूमत इतने मसाला दतिया जा सन कि कोरिया में कश्ती डूब गई, वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, तुहाड़े अपने खान साहब आते सन। दुनिया में जहाँ कहीं रेलवे का हादसा होता है वजीर इस्तीफा देता है, लेकिन नवे पाकिस्तान गंगा ही उल्टी है। पिछले साल जहाज क्रैश होया पायलट जिम्मेदार है, ट्रेन हादसा हो गया ड्राइवर जिम्मेदार है, यानी कि ये हर चीज़ तो बरियु जुमा है हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा जो ट्रेन हादसा होया था जिम्मेदार तुसी पिछली हुकूमत को समझ दो कि मौजूदा हुकूमत? भाई गल है वे इमरान खान साहब ने कहा सी कोरिया दे विच बहरी जहाज डुबा सी, तो उन्हें कहा वजीर आजम ने इस्तीफा दे छड़िया सी, तो इन्होंने पता नहीं कदों इस्तीफा देना। ट्रेन हादसे इन्हां दी हुकूमत इन्ने कु होए ने बेहिसाबे, बेगुनाह जाना 70-80 मर गई ने, तो वो जी मेकअप करती है सियालकोट की डैन, वो कहती है जी अल्लाह शुक्र अलहमदुल्ला थोड़े बंदे मरे ने, वो खाना खराब दी है पुत्र तू तेनू हया ही नहीं, तू और आती कोई को आंदी कहनी अल्लाह का शुक्र है जी इन्ने बंदे मरे ने। साल का पहला हादसा पहला सारा झूठ है भाजी है, भाजी जदों के वजीरे का बनया तो अपना बनाया ने इन्होंने शहीदा टली रेलवे का वजीर, उदों के बेहसाबे एक्सीडेंट होए ने, जो हिसाब ही कौन नहीं, इन्होंने पूछने वाले ही कौन नहीं, इन्होंने खुदा का खौफ ही नहीं, पलीत बंदे उत्ते आके बह गए ने जलील इंसान। फवाद चौधरी साहब का तो कहना कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार है ख्वाजा साहब? फवाद चौधरी तो बड़ा बड़ा बगारत इंसान है, उन्होंने तो पता ही नहीं, और नहीं था डांसर का बड़ा भरा जी हो रहे, उन्होंने बोलन लगे पता ही नहीं लगता, वो कभी आंदा इस वेले ईद है कभी आंदा मैं करावगा, वो तेनू दीन का पता ही की है दीन होंदा की है एक आधे पा। और ये जो है शेर रशीद और जो स्वाति आजम स्वाति साहब ये इस्तीफा दें, पहले तो ये कहते थे कोई हादसा होता था जी वजीर इस्तीफा दे, अब इनके दौर में हुआ है तो इनको चाहिए वो इस्तीफा दें। लेकिन फौज चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार नून लीग है, इसका खून उनके साथ जाता है, नवाज शरीफ पर जाता है, जरदारी साहब पर जाता है, ख्वाजा साद रफीक पर जाता है। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हुई ना, हुकूमत इनकी है और अल्ज़ाम उन पर पिछली हुकूमत पर दे रहे हैं, ये इनकी नाअहली है, तीन साल हो गए हैं हुकूमत ये कर रहे हैं, नाअहली इनकी है कि उनकी है? इनकी नाअहली है। ये उन्होंने अपने दौर में पटरियों पे को ठीक नहीं करवाया, रेलवे पे पैसे नहीं लगाए,
तो ये जो 3 साल हो गए हैं इन्होंने नहीं कुछ किया, फिर आके ये करप्शन ही करने पर जोर दिया हुआ है। जो इन्होंने करप्शन कर दिया है सबके सामने है, जितनी इन्होंने इस वक्त करप्शन इनके दौर में हो रही है कभी हुई नहीं, नवाशी के दौर में तो करप्शन हुई नहीं, करप्शन तो अब हो रही है। तो आजम स्वाति साहब का कहना है, आपने जिस तरह इस्तीफे की बात की, वो कहते हैं मेरे इस्तीफे से कौन सा वो जाने वापस आ जानी है जो मैं इस्तीफा दूँ। अल्लाह करे ये स्वाति साहब खुद ही मर जाए, इनका खाना ख़राब हो, जो इतनी जाने जाया हुए ये कह रहे हैं कि जाने वापस। ये मुसलमान भाई थे हमारे, को गैर मुस्लिम तो नहीं थे, को गैर मुस्लिम भी हो तो इस तरह नहीं को कहता। तो ये बेवकूफ़ वाली नहल वाली जहल वाली बात है। नहल साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है साल का पहला ये हादसा हुआ, इतनी जाने नहीं गए। वो तो है ही बड़े गोश की दुकान फरदोश है अवान उसका नाम है, वो जहल है, जहल औरत है, वो ये ही नहीं पता वो बंदा है कि जनानी है, वो तो पता ही नहीं कौन सी मखलूक है। अल्लाह उसकी ज़बान को मैं कह रहा हूँ बंद ही कर दे, इस तरह बकवास करनी इनको आती है, बस बकवास के सवाल इनके पास है क्या है। नहीं जी पिछली को मंदा की कसूर है, वो तो अपने अच्छे नबाग ने अच्छा काम उन्होंने किया, साध रफीक ने बहुत अच्छी रेलवे चलाई है, आमदन च लियादा है, ये जो आए ने पहला हादसा किन्ने हादसे हो गए ने, ਇਹ ਕੋਈ ਦਸਵਾਂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਆਹੋ ਨਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਫੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਮਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੈਕ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਘੁੰਮਦ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਟੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ, ਇਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਸੀਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਆ ਟੱਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸਤੀਫੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਬ ਕਹਤੇ ਥੇ ਜਬ ਕੋੜੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਤੀ ਵੋ ਡੂਬੀ ਥੀ ਤੋ ਕੋੜੀਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਇਧਰ 50 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਤੋ ਦਿਆ ਥਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੀਫਾ। ਨਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਖੂਨ ਉਨਕੇ ਸਾਰਾ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਬ ਹੋਇਆ ਤੋ ਵੋ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਨਕੋ ਉਨ੍ਹੋਂ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕੀਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ, ਉਸਕੋ ਇਤਲਾਹ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿ ਇਧਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਆ ਗਏ। ਪਟਰੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕੀ, ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਆ। नहीं नून लीग को तो नहीं ये मसलन के प्राउड किया जाता, क्योंकि नून लीग ने जो किया अपने अपने बलबूते पे किया है, ठीक है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने कोई समझ लिया कि अच्छा काम नहीं किया, जो वो जो सब तो कहते हैं ख्वाजा साद रफीक जिम्मेदार है। नहीं वो ज़िम्मेदार नहीं है, ख्वाजा साद रफीक जो है ना वो नहीं है ये ज़िम्मेदार, ठीक है, नून लीग की हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, ये जाता है जो मौजूदा हुकूमत है उसको वो ज़िम्मेदार है। तो आप क्या समझते हो कि वज़ीर को या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को किसको इस्तीफा देना चाहिए? ये तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए ना, क्योंकि उनकी हुकूमत में ये नुकसान हुआ, ये नून लीग की हुकूमत में नुकसान तो नहीं हुआ जो उनको समझ ले के मद्देनज़र रख रहे हैं ये रोड की ट्रेन हादसे का जिम्मेदार मौजूदा वो तो जो इंजीनियर है उन्हें लैटर लिख के तो साबित कर दिता कि भाई ये
उन्हें बार बार इन्हों जगाने की कोशिश की है। ये 44 बंदियां दी मौत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हां दा प्लान तैयार कर रहे हैं बेहतरीन के मेरा मतलब किवें 44 बंदे मरन ते उन्हां ते मेरा मतलब बाद सियासत की जाए। पिछलियां दे वो तो आ होती उन्होंने पानी दे ना सियासत करनी सी ना नाल मेरा मतलब सियालकोट की मेरा मतलब बीबी है वो जी आती अलहमदुल्ला 16 साल नवे साल का इत्तदा होया मेरा मतलब 44 बंदियां दे साल का पहला हादसा अलहमदुल्ला हो घर के बच्चे मरते ना ट्रेन के बच्चे फिर वो आँदी ना अलहमदुल्ला तो मैं भी इतों पैदल जाता कोई ना लियो उन्होंने हार पाने वास्ते कि उन्होंने वाकई उन्होंने ये पहले साल दे मेरा मतलब साल दी चिता ले कोई कोई तो वो होंगे फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि यह जिम्मेदार इन लोगों का खून जोड़ा वो पिछली हकूमत खाजा साहब रफीक और फवाद चौधरी के बच्चे भी इस हकूमत ही खून है मेरा मतलब वो खून के बच्चे मेरा मतलब जो DNA टेस्ट करवा तो भी नून लीक ही निकलना वो कह की कड़ी गल है। हाँ जी ये जरा मतलब ठहरा रहे गलत है पिछली हुकूमत पिछली हुकूमत वो तो इंजीनियर सारे मेरा मतलब उन्होंने अपन रिपोर्टा दस दिन कि मेरा मतलब बार बार उन्होंने फंड मरन की कोशिश की जो भी हो मेरा मतलब जो आते हैं सी पैक के कोई इंजीनियर उन्होंने कहा जी सी पैक के लालच च पै सन कि वो पै जाए M1 की वो पै जाए तो मेरा मतलब सी पैक पैक मामला जरा रफा दफा हो जाए कभी आते हैं मेरा मतलब जी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया झूठ मारी आते हैं बेशुमार वो जोड़े लवाहे कीन जिन्हों के मोए ने प्यारे उन्होंने हमदर्दी कर बजाय ये एक दूजे इल्जाम तराशी कर ताकि उन्होंने जिन्ना इतने ही जोर ला डे ने उन्ना उन्होंने वास्ते कोई बेहतर ही करते तो वह बेहतर सन ना इस्तीफा वजीर वजीर इस्तीफा मैं देना वजीर आजम देना चाहिए भी शर्म हो के उन्होंने बगैर तो हो गए तो मेरा मतलब अपनी कई एक तो पूरी कर ल साउथ कोरिया ज मेरा कश्ती टूट वजीर आजम इस्तीफा दे दिंदा या वजीर इस्तीफा दे दिंदा उहदे थले इनक्वायरी नहीं सही हुंदी क्योंकि वह हैड हुंदा उहदा प्रैशर हुंदा ते हुण पता नहीं उहनूं इह गल्लां क्यों नहीं याद आउंदियां बगैरत आदमी नूं